बड़ा हादसा हुआ। बीआरओ की एक मशीन कोकल खेत के पास यानी तवाघाट सोबला सड़क पर बीआरओ का कार्य चल रहा है। उक्त कार्य में बीआरओ की एक मशीन लगी थी, जो अचानक ऊपर से भारी बोल्डर आने से उक्त मशीन का ऑपरेटर बच गया और मशीन सीधे खाई में चले गई है। कोई भी जनहानि नहीं हुई है, परंतु मशीन को बहुत नुकसान हुआ है और ये मशीन बीआरओ की बताई जा रही है। बजी यार, बहुत क्षतिग्रस्त हो गया थी यार, हो गया ना इसका, बहुत बड़ा बोल्डर है वो, तो ऑपरेटर बच गया भाई, ऑपरेटर बच गया है। यहाँ पे लगातार स्लाइडिंग हो रही है। आराम से एक करके जाओ ऊपर, देखो तो गाड़ियाँ फंसी, भगवान की कृपा से कोई जनहानी नहीं हुई, सब कुछ डोजर गिर गया है। स्थानीय नागरिक के द्वारा उक्त वीडियो दिया गया है। बीआरओ की सड़क पर कार्य कर रही मशीन अचानक बोल्डर लगने से क्षतिग्रस्त हो गई कोकल खेत के समीप। बता दें कि तवाघाट सोबला सड़क मार्ग में उक्त कार्य चल रहा है बीआरओ का, परंतु मार्ग पर कहीं ना कहीं भारी आपदा का मामला दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीआरओ की उक्त मशीन क्षतिग्रस्त हुई है। अब तुझे बोलना बोल दे, यहाँ पे काम करते हुए थोड़ा मशीन का ऑपरेटर बाल बाल बचा है, शाम के 4:30-5 बजे की बात है। पत्थर आने से बहुत बड़ा बोल्डर आया ऊपर से, तो पता नहीं चल रहा, वो तो ऑपरेटर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। ओके, धन्यवाद। हिलवेज और बीआरओ की एक और लापरवाही देखने को मिली है। रांची के ओकल खेत में 5 पंडितों के परिवार खतरे के निशान पे आ गए हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री ने उक्त क्षेत्र का दौरा किया, परंतु कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है और न ही वहां पर कार्य शुरू हुआ है। कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को देखना चाहिए कि हिलवेज कंपनी व बीआरओ किस तरह से मनमानी कर रही है। हमारे ओकल खेत तोक के 5 परिवार खतरे के निशान में आ गए हैं। पूर्व में भी 1 साल पूर्व ही ये दीवारें गिर गई थी, परंतु आज तक इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिससे रांची रोड की सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अब देखना कि बीआरओ कब तक प्रशासन की बात को मानती है या फिर पूर्व की तरह प्रशासन की बात को अनसुना करती है। 11 बजे ये रामदत्त भटके आवास के आगे ये हिलवेज का NH में कटिंग करने के कारण पूरा ये मकान आने की स्थिति में हो गया। करीब 2 मीटर बचा है इनका मकान। तो हमारा शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि इनको NH के तर्ज में इनको मुआवजा दिया जाए और ये सुरक्षित जगह में उस तर्ज में इनको मुआवजा मिल जाए और सुरक्षित जगह में ये अपना आशियाना बना ले और आवासीय भवन इनके खतरे में है। मैं बस यही कहूँगा और ये वीडियो दिखाओ जरा, इधर आओ, ये मकान का वीडियो, ये नीचे कटिंग, ये देखिए सर, ये पूरा ये NH के तर्ज में ये पूरा इनका रास्ता चले गया, ये वो रास्ता चले गया, ये मकान सामने है, ये हो गया। तांकुल गांव की काव्या उम्र 1.5 वर्ष बमुश्किल धारचूला पहुंची है। हेलीकॉप्टर सेवा नहीं मिलने से काव्या, जिसकी उंगली क्षतिग्रस्त हो गई थी, एक उंगली पूरी तरह से डॉक्टरों ने बताया कि फ्रैक्चर है। उक्त को लाने में 1.5 दिन का समय लग गया है। प्रशासन को बार बार हेली मांगने के बाद जब हेली उपलब्ध नहीं हुआ तो गांव के लोगों ने SSB ने मदद करते हुए उसको आज धारचूला चिकित्सालय 4 बजे के आसपास पहुंचाया है और धारचूला पहुंचने पर काव्या का चिकित्सीय कार्य शुरू हुआ है। वहीं गांव वालों ने प्रशासन से रोष व्यक्त किया है कि हेली उपलब्ध होने के बावजूद भी हेली नहीं देना कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर बताया है। रुक्मणी देवी प्रधान ने कहा कि मेरी लगातार वार्ता हुई, परंतु हेली उपलब्ध नहीं हो पाया। हेली नहीं मिलने से कहीं ना कहीं काव्या की उंगली खराब होने की स्थिति में आ गई है। काव्या की उंगली में डॉक्टर पांगती ने बताया कि फ्रैक्चर है और उसका ऑपरेशन होना नितांत आवश्यक है। आज शाम को उसका ऑपरेशन सुनिश्चित हुआ है। अगर हेली समय पे मिल जाता तो शायद उसकी उंगली जल्द ठीक होने की स्थिति में आ जाती, परंतु अब देखना कि उसके ऑपरेशन से कितना लाभ मिलता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा हेली नहीं भेजना भी इस क्षेत्र के लोगों का कोप बाधन बनना है और प्रशासन के खिलाफ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में लगातार ट्रोल किया गया, फिर भी प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, इससे प्रधान रुक्मिणी देवी भी नाराज दिखी।
कल शाम को मुझे 4:30 बजे के करीब गांव से मुझे मैसेज आया है कि ये बच्चे को चोट लगी है, उसकी उंगली कट गई है, हेलीवेट भेज दो। तो मैंने प्रशासन को किसी के थ्रू, मैं तो कहीं बाहर गई हुई थी, किसी के थ्रू मैंने फोन में बात करी तो उन्होंने बोला कि पायलट बीमार है, अभी नहीं हो पाएगा, दूसरा पायलट आएगा तो 15-20 मिनट रुक जाइए, 15-20 मिनट के बाद हम हेली पहुँचते हैं। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने जो है 15-20 मिनट करके पूरी शाम 7 बज गए, और उसके बाद उन्होंने बोला अब रात हो गई, अब नहीं जा पाएंगे हेली, और कल सुबह भेजेंगे, सबसे पहले तांकुल भेजेंगे बच्ची को लेने के लिए। और सुबह जब हमने उनको पीड़ित परिवार को और बच्ची को हेलीपैड भेजा, तब हमने संपर्क किया प्रशासन से, तो उन्होंने बोला कि हेली तो खराब है, वो क्रैश भी हो सकती है कहीं पर भी, इसलिए उसको हम नहीं भेज सकते हैं, बच्ची को ऐसे बुला लीजिए। तो इसके बाद हम लोगों ने जो है उनको मैसेज किया मेरे परिवार को, तो वो बच्ची को लेकर के पैदल ही तवाघाट तक पहुँचे, और अभी यहाँ पर उनका स्वास्थ्य केंद्र में जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी हड्डी पूरी टूटी हुई है, उंगली लटकी हुई थी उनकी, तो अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेशन, हो जाएगा शाम को, अभी तो टाँके लगे हुए हैं, शाम को ऑपरेशन होगा। उसको जो है घर के पास पत्थर गिरने से उसके हाथ में उंगली में चोट लग गई थी, उसकी उंगली पूरी फ्रैक्चर है, थोड़ी सी मतलब लटकी हुई है। तो कल शाम 4:30 बजे मुझे सूचना मिली जिसकी, तब मैंने तहसील प्रशासन को सूचित किया इसके बारे में, और हेलीकॉप्टर की मांग की कि बच्ची को तुरंत यहाँ लाया जाए ताकि उसको उचित समय पर सही ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन SDM सर और तहसील प्रशासन के द्वारा मुझे बताया गया कि पायलट की तबीयत ख़राब है और नया दूसरा पायलट आएगा तो उनको लेकर के आएंगे, लेकिन उन्होंने बोला 10-15 मिनट रुको। ऐसे वो टाइम बढ़ाते गए 10-15 मिनट, उसके बाद रात होगी, तो उन्होंने बोला कि आज अब नहीं हो पाएगा, कल सुबह जो है सबसे पहले हम हेलीकॉप्टर। Please do like, share and subscribe DCL News.